नाम सही होने चाहिए। तो ये है हमारा आज का गृह कार्य, जिसको पहले आप 2 से 3 बार पढ़कर समझोगे, उसके बाद ही आपको याद करना है, उसके बाद लिखना है। साथ ही साथ अपना चैप्टर क्लियर करके चलना है, क्योंकि आपको फिर मैं बता देती हूँ, व्याकरण के अंदर जब तक पीछे का चैप्टर जो हम पढ़ा चुके हैं वो क्लियर नहीं हुए, उसके बाद आप आगे के चैप्टर नहीं समझ सकते, क्योंकि पीछे के चैप्टरों पे ही आगे के चैप्टर निर्भर होते हैं व्याकरण के अंदर। और व्याकरण को हमें बहुत अच्छे से समझ के चलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि व्याकरण से ही हमारे भाषा की शुद्धि